इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज हम आपको एक ऐसे गांव में लेके आए हैं जिस गांव का नाम है ढडकाई, जो जिला डोडा के लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव पाया जाता है। इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव में लगभग 90 के करीब जो है डीफेंडम यानी गूंगे और बहरी लोग पाए जाते हैं। यहाँ लगभग जब पहला जो डीफेंडम पाया गया वो 1901 में डीफेंडम पहला यहाँ पैदा हुआ, जिससे जो है उसके बाद वक्त गुजरता गया, महीने गुजरते गए, साल गुजरते गए, लेकिन जो है उनकी तादाद आज बिल्कुल सेंचुरी के करीब है। तो इस जमीन में आज हमने देखा कि यहाँ एक सेपरेटिंग स्माइल चार्टेबल ट्रस्ट, जो गुजरात से हमारी एक बहन मैडम यहाँ इंडियन आर्मी के लोग जो हैं, जो हर उस जगह पहुंचते हैं जहां कोई फर्दोजन पहुंच नहीं सकता है। आज हमने देखा हमारे साथ लेफ्ट साइड में अगर देखें तो ये मेजर प्राइसी साहब हैं 4RR के। हमारे इस साइड जो है डॉक्टर निहिता ठाकुर जी हैं, मैडम जो हैं उन मेरे जो राइट साइड में है ये मेजर 4RR हैं। तो उनका इस विलेज को जो है साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया कहा जाता है, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग अगर हैं वो इस गांव में पाए जाते हैं, डीफेंडम पाए जाते हैं। तो एक इनिशिएटिव मैडम ने, डॉक्टर मैडम ने उठाया। तो आज यहां आप देखिए इनकी पोजीशन, अगर आप देख रहे हैं तो ये खुद जो है इस चीज का शिकार है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2500 किलोमीटर चल के जो मैडम इस गांव में पहुंची है, हम के एक हिली बाउंडेड एरिया है यहां। यहां जब आपने इसकी टोपोग्राफी देखी होगी, इसका स्ट्रेच देखा होगा तो जरूर आप डर गए होंगे, लेकिन ये सब हौसला, ये डेडिकेशन आपने दिखाई और आप यहां आए। इंडियन आर्मी का भी शुक्रिया जिनने आपको यहां लाया। तो आप हमें बताइए कि इन लोगों के लिए जो आपके सामने लोग हैं, ये बहुत सारे डीफेंडम हैं, बहुत सारे इनके पेरेंट्स जो हैं, मां बाप जो हैं इनके, वो डीफेंडम हैं, लेकिन आगे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे हैं। तो क्या इनिशिएटिव आपके रहेंगे सर? सबसे पहले तो यही चीज है कि जो डिसाइड करके वहीं से, जब 4RR में से सर ने और पता चला कि ऐसा कोई गांव है जहाँ पे इतने सारे हेयरिंग इम्पेयरमेंट लोग रहते हैं, और जब 4RR से सर से डिस्कशन हुआ तो लगा कि हम कैसे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं जो इन लोगों को लॉन्ग टर्म पे एक रिहैबिलिटेशन, जिसको हम बोलते हैं कि एक डिग्निफाइड लाइफ, एक इज्जत भरी जिंदगी समाज में देने के लायक हम इनको बना सके। तो जो पहला ख्याल आया था वो ये था कि सर एजुकेशन बहुत जरूरी होता है। मतलब मैं चाहे अपनी बात करूं, कोई भी एजुकेशन सबके लिए इम्पोर्टेंट है, एबल बॉडी या स्पेशल नीड का ले, लेकिन जब आप एक स्पेशल नीड की बात करते हो तो उनके पास तो ये एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया होता है कि जिसमें वो समाज में अपने आप को कहीं डिजर्विंग प्लेस वो एक्सेप्ट कर पाए। तो यही सोच के आज हमने ये इनिशिएटिव करा था कि इनका सबसे पहले जो हमारा काम होगा, ऑफ कोर्स विद सर एंड 4RR के साथ, कि हम उनको एजुकेशन में कैसे सबसे पहले, इन जो जो भी यहाँ पे जो लेफ्ट आउट से जिनको इतनी सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है, जो उनको कैसे हम इनरोल कर सके और उनको एक अच्छा नॉट ओनली एजुकेशन पर लाइफ लॉन्ग फिर उनका एक कैसे हम एक रास्ता बना सके कि जिसमें वो चल के एक बहुत अच्छी मंजिल को पा सके। तो मैडम आप बताइए, यहाँ देखा गया है कि डॉक्टर सुशील राजन जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं पूरे इंडिया में, और हमारे चेयरमैन साहब के बड़े खास दोस्त हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील राजन ने, उन्होंने भी जब गुलाम नबी आजाद यहाँ चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी यहाँ भेजा था उनको, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ उनका टेस्ट वगैरह ले लिए। उसके बाद गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव रहे, बड़े जबरदस्त इनिशिएटिव रहे, लेकिन वो वर्बली रहे। हमने सिर्फ देखा कि इनको लाया गया, इनको तकलीफ दी गई, इनके ब्लड सैंपल
डेटा लिएगी, इनके डॉक्यूमेंट्स लिएगी, लेकिन आफ्टर ऑल जो है फाइनली इन तक कोई एड ऐसा नहीं पहुंचा। और मैं समझता हूं अगर लाइफ लाइन इनकी इस वक्त है वो सिर्फ एजुकेशन है, एजुकेशन के थ्रू ये लोग डेवलप हो सकते हैं, इनकी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन तब तक जो है आप किस टाइप के इनिशिएटिव लोगे जिससे थोड़ा इनको फर्स्ट एड जो ये ट्रैक पे आएंगे ये बच्चे। वही जैसे चेयरमैन सर ने अभी मुझे बताया कि यहाँ पे हमने 12 बच्चे हैं जो कि अभी इनिशियल इमीडिएट जिनको जरूरत है कि वो जो कि नेक्स्ट टर्म जो हमारा आएगा जो नेक्स्ट ईयर का जो पढ़ाई चालू होगा उसके पहले उनको अच्छी जगह पे हमने सेटल करना है जो इमीडिएट फोकस है, तो उसी पे जाके हम काम करना चालू करेंगे कि मेरी कोशिश रहेगी कि उन लोगों को यहीं के कहीं के आजू बाजू जहाँ पे इनके लिए बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड हो पढ़ने का आगे का तो वो फाइंड आउट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो अल्टीमेटली मैंने तो यहाँ तक बोला है कि अहमदाबाद में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ तो अगर यहाँ से ये सब लोग सपोर्ट करने को रेडी है, चेयरमैन सर ने बोला कि बिल्कुल हम अगर नहीं हुआ यहाँ आके तो वहां तक भी वो आने को रेडी है, तो इमीडिएट फोकस तो यही है कि हम उन 12 बच्चों को और दूसरे 12 ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स स्पेशल नीड है लेकिन वो एबल बोर्ड तो उनका भी साथ साथ में प्लानिंग है, यानी कि अभी जो हमारा फोकस है वो सिर्फ इन 24 बच्चों पे है कि हम उनको कैसे एजुकेशन वाइज पहले एक स्टेप उठा के एनरोल करें, बाकी फिर लॉन्ग टर्म के फिर शॉर्ट टर्म वैसे भी अब धीरे धीरे जैसे क्योंकि अभी तो आज ऑनेस्टली सर पहली विजिट है और जैसे कि मैंने कहा कि मैं खुद समझना चाहती थी कि क्या ये सिचुएशन यहाँ कैसे है, एनवायरनमेंट कैसा है और उसमें मतलब 4RR की तरफ से सर की तरफ से एक्सेलेंट सपोर्ट मिला है पूरी टीम की तरफ से, तो अब बहुत सारी उम्मीदें हैं कि सर के साथ 4RR के साथ और आप सब चेयरमैन सर के साथ मिलके हम बेस्ट पॉसिबल वे में हमसे जितना हो सकता है हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ बात करने के लिए। तो डॉक्टर कि हम डोर स्टेप पे जाके इन लोगों की मदद करेंगे और आने वाले वक्त में सबसे पहले हम जो है इनकी प्रायोरिटी जो होगी इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है हम एक स्कूल यहाँ चाहे वो रेंटेड बिल्डिंग लें चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हम कोई भी इनिशिएटिव उठा के इन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए पहल करेंगे और आने वाले वक्त में हम इन बच्चों को जो है तालीम से आरस्ता जरूर करेंगे। फिरदौस खांडे, न्यूज 18, JKLH।